नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक शम्स। सर अपना परिचय था सर, अपने घर का। मैं, मेरा घर सुंदर विराजित थाना मधेपुर जिला मधुबनी, और मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हूँ। कितने दिन से? करीब 7 साल से प्रभारी प्रधानाध्यापक, और 21 साल से मैं नौकरी में। सर इससे पहले भी कहीं थे कि यहीं इसी स्कूल में? इसी स्कूल में मैं। सर अभी आपके साथ यहाँ कितने शिक्षक और शिक्षिका? मध्य विद्यालय सुंदर में अभी 11 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, और 18 शिक्षक माध्यमिक विद्यालय सुंदर विराजित में हैं। ये दोनों स्कूल एक ही साथ है, मेरे ही सानिध्य। आप उस दोनों के आप भी? जी देख जी। सर टोटल कुल बच्चे कितने हैं आपके? मेरे यहाँ 523 मिडिल स्कूल में है, और लगभग 450 हाई स्कूल। सर कौन क्लास से कौन क्लास तक पढ़ाई चलता है? यहाँ जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसमें 1-8 की पढ़ाई होती है, और +2 तक की पढ़ाई माध्यमिक विद्यालय सुंदर विराज। सर स्कूल में बच्चे को क्या क्या सुविधा मिल रहा है? यहाँ पर तो सरकारी तरफ से मूलभूत जो सुविधा दी जा रही है वो सब उपलब्ध है जी, लेकिन एक कमी है यहाँ पर, जो भवन पुरानी है जिसके चलते आपके पास में मान लीजिए यहाँ जो जो है, अब हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर जब तक जाता है हमारे चैनल के माध्यम, प्राइम मिनिस्टर भी हमसे जुड़े हैं। हाँ तो आप यहाँ से बिहार सरकार, डीएम साहब, मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके यहाँ किस चीज़ का दिक्कत है, क्लियर बोलेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मध्य विद्यालय सुंदर में भवन की स्थिति जो जर्जर है, भवन हो जाता तो हम लोगों को पठन पाठन की सुविधा अच्छी होती। दूसरी बात है कि जगह का अभाव है, और भवन की असुविधा के कारण बच्चे को सामूहिक क्लास में भी किसी किसी क्लास को, 2 क्लास को एक साथ करके बैठाना पड़ता है, तो वो सब दिक्कत नहीं रहेगी। हम देख रहे हैं कि पूरा खुद भवन जो है पूरा डैमेज है जी, ये भी भवन जो है कब गिर जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ आप बैठते हैं आपके ठीक सामने में एक बहुत बड़ा चट उधरा हुआ है, कौन ठिकाना है कि फिर उधर करके आपके माथा पड़ गई जी। ये सब परिस्थिति है, पूरा सब चारों बगल मकान भवन जो है एकदम समझ पूरा जर्जर अवस्था में है। बारिश में लग रहा है कि सब सूखा भी होगा, सब दीवार उवाल सब क्रैक है। तो हम भी मधुबनी के डीएम साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ इसका वेरिफिकेशन हो, उसका एस्टिमेट करें, और जल्द से जल्द स्कूल कार्य का निर्माण शुरू करवा दिया जाए। और कुछ करना है सर आपको? नहीं अब हो गया यही ना जी। टू पॉइंट नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश जी सुमन हुआ जी। मैं यहाँ पर सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा वधवा हो गया, नफलोर ब्लॉक। हाँ हाँ जानते हैं। हाँ जी। और मैं यहाँ से 18 वर्ष से पदस्थापित हूँ जी। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है जी, ये जो है भवन का बहुत ज़्यादा अभाव है छात्र अनुपात में जी। और यहाँ पर बच्चे को जो है लगभग जो है इतना वर्ग कक्ष नहीं है, बाहर में बैठाना पड़ता है जी। तो इसलिए मैं जो विभागीय पदाधिकारी और सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाए, जिससे बच्चे को जो है बैठने और जो गतिविधि। जेई साहब एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। जितना भी यहाँ प्रखंड या जिला से जो भी पदाधिकारी आते हैं, हम लोग जो बोलते हैं इनको कि सर यहाँ पर भवन का बहुत ज़्यादा अभाव है, और यहाँ पर भवन जितना जल्दी उपलब्ध करा दीजिएगा, यहाँ पर गरीबों का बच्चा पढ़ता है। हाँ तो उसको जो है अधिक से अधिक हाँ जी 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 ये सरकारी विद्यालय में यहाँ पर मेरे यहाँ जो है लगभग जो है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का बच्चा ज्यादा यहाँ पर है नामांकित, तो उनको जो है मूलभूत सुविधा जो है उनको प्रदान करें और बच्चे को सही शिक्षा मिले जी। जी जी जी। आपका नाम क्या हुआ?
सुभा कुमारी को। घर कहाँ हुआ आपका? सुंदर विराज जी। सुंदर विराज जी, अच्छा मैडम, यहाँ आप लोग स्कूल के बारे में सरकार से मांग कर रही हैं, यहाँ क्या समस्या? हम लोग को तो और सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समस्या यही है कि भवन का अभाव है, बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चे को, सामूहिक क्लास हम लोग को लेना पड़ता है, तो हम लोग को भी दिक्कत होती है, बच्चे अपने वर्ग कक्ष में अपने विषयवार अनुसार नहीं पढ़ पाते हैं जी, इसीलिए भवन का जी जी है। जी क्या मैडम बात सही है? हाँ सर, हाँ भवन जरूरी है ना? हाँ सर, 1 से 5 तक बच्चे सब बाहर में बैठे रहते हैं, बाहर में बैठे। हाँ जी सर, ज्यादा गर्मी बरसात सब में दिखते हैं, पानी में पड़ेंगे, इसीलिए भवन का अच्छी जरूरी है, भवन निर्माण को उत्तम जरूरी है जी जी, भवन देगा जगह देगा तो हम लोग व्यवस्थित ढंग से क्लास में बैठाएंगे। दो तीन बार दिए हैं विभाग, विभागीय विभाग में दिए हैं, यूडाइस में भी दिया गया है, और आश्वासन भी मिला है कि भवन आएगा। सर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि 15 दिन के अंदर में जरूर इस पर एक्शन होगा और जेई साहब इन्वेस्टिगेशन करके जाएंगे, जरूर माननीय डीएम साहब किसी को भेज करके आपका काम करवाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।